विधानसभा चुनाव से पहले सरायकेला खरसावां जिला में नक्सलियों की धमक देखने को मिल रही है। कल जहां जिले के कुचाई थाना क्षेत्र में नक्सली पुलिस मुठभेड़ की घटना हुई थी, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सलियों के वर्दी जब्त किए थे, साथ ही काफी शक्तिशाली विस्फोटक को डिफ्यूज करने में सफलता मिली थी। इधर आज सुबह आदित्यपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पोस्टरबाजी किए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि आदित्यपुर एक शहरी थाना है और यहां नक्सली पोस्टरबाजी पुलिस के लिए खतरे की घंटी मानी जा सकती है, जहां गमरिया प्रखंड कार्यालय और टाटा कांडरा मुख्य मार्ग से सटे सर्विस रोड के गार्डबोल में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की थी। उधर घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पोस्टरों को जब्त कर अपने साथ थाना ले गई। वहीं घटना की जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी सुषमा कुमारी ने इसे शरारती तत्वों का नाम बताया है। उन्होंने मतदाताओं से बेखौफ होकर मतदान करने की बात कही, साथ ही कहा पुलिस एक शरारती तत्वों पर नजर रखी है। वैसे लोकसभा चुनाव के दौरान भी गमरिया और आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पोस्टरबाजी की घटना सामने आई थी। उसके बाद एक के बाद एक तीन बड़ी नक्सली घटनाएं घटित हुई। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले नक्सली क्षेत्र में एक बार फिर से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में महाराज प्रमाणिक और अनल दस्ता सक्रिय है, जो लगातार पुलिस के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। नहीं सर, हम लोग तो गोलगप्पा ठेला वाला आदमी है, हम लोग को क्या डर है। गमरिया ब्लॉक है ये तो। करीब करीब हम आलू लाने गए थे अपना ठेला निकालने के लिए, तो 8 बजे के करीब में हम इसको देखे। ये तो हमको पता नहीं सर, ये तो ब्लॉक में लगी हुई है। पोस्टर मिला है, हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। हो सकता है सामाजिक लोग के द्वारा वोटर को डराने के लिए किया गया होगा, इस पे जांच हो रहा है। नहीं, नक्सली गतिविधि पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। जांच होगा, जांच होने के बाद जो पता चलेगा। मानसा क्या होगा, वोट तो होगा, वोट में कोई दिक्कत नहीं होगी।